हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुजरात राज्य में स्थित सूरत ज़िला के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो सूरत ज़िला, यह ज़िला भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित गुजरात के कुल 33 ज़िलों में से एक सूरत ज़िला के नाम से जाना जाता है। यह ज़िला भारत देश के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा अरब सागर से मिलती है। सूरत ज़िला को डायमंड बनाने का सेंटर भी माना जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटरों में से सूरत एक है। सूरत ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम नौसरी ज़िला, टापी ज़िला, नर्मदा ज़िला और भरूच ज़िला है। क्षेत्रफल की बात करें तो सूरत ज़िले का कुल क्षेत्रफल 7,657 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सूरत ज़िला की कुल आबादी 60,81,322 है। सूरत ज़िले का औसत लिंगानुपात 788 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 788 महिला हैं। सूरत ज़िला के वाहन पंजीकरण संख्या GJ5 और GJ19 है। सूरत ज़िले का RTO ऑफिस बारडोरी सूरत शहर में मौजूद है। भाषा की बात करें तो सूरत ज़िला में कई ऐसे अनेक भाषा बोली जाती हैं, इसमें से गुजराती भाषा, सिंधी, हिंदी, मरवाड़ी, इंग्लिश, मराठी एंड ओरिया शामिल है। ये जितने भी भाषा हैं सभी सूरत ज़िला में बोली जाती हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग देश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे सूरत तो भारत के बड़े बड़े शहरों में से एक शहर है। इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 6 और नेशनल हाईवे संख्या 8 गुजरती है, जो आगे चलकर गुजरात के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और आसपास के बड़े शहरों में भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो सूरत ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम सूरत रेलवे स्टेशन, उदना जंक्शन, उत्तरान रेलवे स्टेशन है। सूरत रेलवे स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म और 6 पटरी शामिल है। इसका स्टेशन कोड ST है और इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। सूरत रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई लाइन, सूरत जलगांव लाइन, सूरत अहमदाबाद लाइन पर स्थित है। और सूरत रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के मुंबई डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के वासी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िला में कई ऐसे बड़े व छोटे कॉलेज भी शामिल है। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी कॉलेज में शामिल स्वर्णभीर यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, सार्वजनिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, सीके पिठावल कॉलेज और IIIT सूरत शामिल है। अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे बड़े बड़े अस्पताल हैं, जहाँ पर देश के बड़े बड़े शहरों से लोग जाकर इलाज कराते हैं। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण अस्पतालों में शुमार अनुभव हॉस्पिटल, सेल्बी हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल, निजी विशा हॉस्पिटल, मरीना ग्रांड हॉस्पिटल, मेहता हॉस्पिटल और
आशुतोष हॉस्पिटल शामिल है। इसके अलावा कई ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम भी शामिल है। पर्यटन स्थल की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे बड़े घूमने के स्थान हैं जहां पर टूरिस्ट घूमकर आनंद उठा सकते हैं। सूरत ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहां के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में शुमार डच गार्डन, दुमास बीच, हजीरा विलेज, सरदार पटेल म्यूजियम, अंबाजी मंदिर, डांडी बीच, सरथना नेशनल पार्क, टिथाल बीच, अमानिया वाटर पार्क आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। यहाँ पर लोग जाकर घूमकर आनंद उठाते रहते हैं। दोस्तों, सूरत ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।